देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियन, वो सोसाइटी का और आम जनता का नर्व्स को समझ लिया है। 10 किलो चावल, जात पात, काट खोट, नफरत पैदा करो, हिंदू मियाँ करो, बैकवर्ड फॉरवर्ड करो, जात पात करो, और एजुकेशन, रोजगार, हेल्थ जैसे मुद्दों को गायब कर दो और इस पर कोई चर्चा ना करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका, आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, ये चेहरा आप समझ रहे हैं कौन है। चेहरा का रौनक देख के आपको पता चल जाएगा कि ये नेता कैसा है। आपको बता दें कि पप्पू यादव जो जाप के नेता हैं और जाप को चला रहे हैं, यानी जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कहीं भी कोई घटना हो, उस घटनाक्रम में कोई नेता आपको पहले नहीं मिलेगा, लेकिन पप्पू यादव आपको सामने में मिलेगा। चूँकि मामला गरीब का होता है, निसहाय का होता है, और अगर किसी को कोई भी यातना किया गया हो, प्रताड़ित हुआ हुआ हो, तो आपको वहाँ पप्पू यादव मिल जाएगा। पप्पू यादव बीते दिनों यहाँ धरारा अंसारी टोला में रुके थे, बोले तो उनके नेतागण रुकवाए थे और उनसे कुछ खास बातचीत आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। आइए जानते हैं कि पप्पू यादव जी क्या कह रहे हैं शिक्षा के मसले पर, और बिहार सरकार किस तरीके से उसको देखते हैं। सर, अभी जो ये सुशासन बाबू के सरकार में शिक्षा के ऊपर इतना बड़ा गाज गिरा है, कोई भी पत्रकार को स्कूल में जाने से मना करें, DM साहब का खास करके चिट्ठी आई हुई है, कोई पत्रकार भंडार को नहीं दिखा सकता है, इसके बारे में सर आपका क्या कहना? देखिए, एक तो समाज शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है, दूसरी चीज दुनिया में सबसे कम बजट एजुकेशन पर भारत का है, तीसरी चीज जो बेसिक जरूरत है इंसान की वो है हेल्थ और एजुकेशन, और आम आदमी की पीस, आम आदमी के अधिकार, उसकी स्वतंत्रता, उसकी आइडियोलॉजी, विचारधारा को प्रोटेक्ट करना और मजबूत करना, उसको जीने की आज़ादी देना। 680 लगभग ऊपर, 650 से ऊपर लगभग 603 लगभग स्कूल नहीं है, मिडिल स्कूल 400 से 450 के लगभग हाई स्कूल नहीं है, और जो टीचर है क्वालिटी और क्वांटिटी वो बिल्कुल सुन पे है जी। दुनिया में भारत का जो एजुकेशन स्तर है सबसे नीचे है, और भारत में जो भारत का जो सर्वे है उसमें केरल यदि नंबर वन पर है तो बिहार सबसे नीचे पर है जी, बराबर। तो एजुकेशन की चिंता किसको है? कंट्री का भी एजुकेशन पर, रोजगार पे, इकोनॉमी पे, हेल्थ पे चर्चा नहीं करती है। ये कंट्री चर्चा करती है भगवान पे, ये कंट्री चर्चा करती है हिंदू मुसलमान पे, राजपूत जादा बाभन भूमिहार पे, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा पे, दलित गैर दलित पे, ये कंट्री चर्चा करती है कि ताजमहल के नीचे हिंदू मियाँ मिलेगा कि कौन मिलेगा, जामा मस्जिद के नीचे शिव मिल जाएंगे, बनारस के नीचे कौन भगवान मिल जाएगा। हमेशा हम डिस्ट्रक्टिव बात करते हैं, एक बार भी कोई आदमी इस देश का खुद के जीने का प्रयास नहीं करता है। अब आप इसको इस तरह सोचिए, एक तो कॉलेज में 23% मात्र प्रोफेसर, भी IT या टेक्निकल कॉलेज में जाइएगा तो फैकल्टी प्रोफेसर नहीं मिलता है, हमें जो सब्जेक्ट चाहिए वो नहीं मिलता है, और वो भी 10% मात्र होता है। बेसिक जो स्कूल है मिडिल क्लास और हाई स्कूल, उसकी आप स्थिति दें, पंचायत स्तर पर जब शिक्षक की बहाली हुई तो उसमें उससे पैसे लेकर के आपने उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी चेक नहीं किया। तो प्राइमरी स्कूल और मिडिल क्लास और लोअर स्कूल जो है बिहार सरकार का लगभग ख़त्म हो गए। 87 में कस्तूर नवोदय स्कूल राजीव गांधी लाए थे, 90 के बाद अभी तक आप कितना नवोदय स्कूल लाए, कितना कस्तूरबा स्कूल पंचायत में ले गए। तो हमारे पढ़ने की भी इच्छा शक्ति तो नहीं बढ़ रही है ना, हम तो
और बेसिक जो सिस्टम को चाहिए वो भी नहीं कर पा रहा है। ये कोई इस सरकार की बात नहीं है, आप दोनों सरकार की, जो हम आज नालंदा गए थे, यदि कोई चीज़ मीडिया ट्रायल होती है, जैसे सोनू मीडिया ट्रायल हुआ, तो आपने, तो आप सोनू के घर के बगल में है मुख्यमंत्री जी का घर है जी, चार बार कल्याण विभाग, चार बार मुख्यमंत्री के बाद, इसके पहले भी एक बार नीतीश कुमार के मंच पर एक बच्चा ने कहा था मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो एजुकेशन कैसा करूंगा, किस मीडिया लाऊं, और इस तरीके से लगभग लाखों करोड़ों, 14.5 करोड़ में लगभग करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो बेसिक, और बच्चियाँ ऐसी हैं कि इंटर मैट्रिक 7 और 8 क्लास के बाद नहीं कर पाती, पीजी और बीए करना तो इस देश में बहुत दुर्लभ हो गया। अच्छा, लोग करना इसलिए भी नहीं चाहता है कि रोजगार नहीं मिलेगा, जिसके पास जितनी बोली, जिसके पास जितना पैसा हो, उसके पास नौकरी हो सकती है। आप अभी जब बीपीएससी का हुआ, यूपीएससी में भी होता है बीपीएससी, कई बार इसके पहले भी चेयरमैन दो दो बार जेल गए, प्रोफेसर की बहाली वाला की स्थिति वही हुई, यहाँ पर बहाली निकलने के बाद नौकरी होती ही नहीं है। 8 साल पहले बीएससी का 13,000 की वैकेंसी निकली, करोड़ों अरबों रुपया वसूल लिए सरकार ने फॉर्म भरने के नाम पर आज तक आपने बेसिक चीज़ नहीं किया। तो उम्र पर उम्र ख़त्म हो जाता है, और हम हाई कोर्ट चले जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और बेसिक रूप से कोचिंग माफिया नेता और पदाधिकारी के मिली भगत से ये सिस्टम सब लागू। जी जी जी। अब जैसे NVCC रेलवे का मामला आया तो वो ख़त्म हो गया, फिर ग्रुप डी में आप मेंस और भावा ले आए, जबकि फिजिकल और मेडिकल था मात्र, तो मिडिल क्लास का जो लड़का है, जो गरीब है, कमज़ोर तबके और वंचित तबके का लड़का, जो दिन रात दौड़ के मेहनत करता है या कोई भी ऐसी चीज़ है कि हमको नौकरी मिल जाए, तो अब जब मेंस भावा ले आए तो फिर फिजिकल, और अच्छा फिजिकल में भी वो फील्ड तय करेगा, उसके पास पैसा होगा तो आएगा, नहीं तो आप घटा दीजिएगा, या तो 1 सेकेंड कम कर दीजिएगा, या तो कहीं का नौकरियाँ निकाल दीजिएगा। तो नौकरी अब बिना बोली के और बिना करोड़ों रुपया के अब नौकरी इस कंट्री में, एक तो नौकरी नहीं संभव है, तो अब आम आदमी और जीनियस लड़का तो गया, मिडिल क्लास का लड़का तो अब गया, तो आप इस पे चर्चा नहीं होती, एजुकेशन पर चर्चा नहीं होती, चर्चा होती है ये कौन जात है, भूमिहार, ये भूमिहार, जाधव, बाभान, ये क्या, तो ये क्या, जब हम मंगल और चांद की बात किया करते थे भारत में, दुनिया में, हम इंग्लैंड में बात करते थे इन्वायरमेंट की, हम जापान में बात करते थे वाटर की, कि हम अपने प्रजा को कितना बेहतर पानी दें, हम अमेरिका यूरोप में बात करते थे करोड़ों रुपया, लाखों रुपया से लाख रुपया बनाने की, और जब हम भारत आते हैं तो भोले भैरव बाबा को शराब चढ़ाओ, शनि को सरसों तेल चढ़ाओ, उसके बाद भोला बाबा को दूध चढ़ाओ, उसके बाद दुर्गा मैया को बलि चढ़ाओ, काली मैया को फलना चढ़ाओ, हम सुबह से शाम ई कौन जात का भगवान, ई कौन जात का भगवान, ई भूया भगवान, ई परशुराम भगवान, ई राम भगवान, ये वाल्मीकि भगवान, वाल्मीकि ने रामायण लिखा, वाल्मीकि डोम हो गए, राम भगवान हो गए, अब कृष्ण भगवान, तो यादव का भगवान, तो मुसहर का भगवान, तो संत रविदास की बात रहेगी नहीं, अरे बात बाबा साहब अम्बेडकर की करो ना जी, बात चेंज की करो ना, भगवान के फेर में हो। अब ताजमहल, आप सोचिए ना, कभी ऐसा हुआ था कि हम ताजमहल के नीचे हिंदू मियाँ को खोज रहे हैं, हम बिहार में राजपूत भवन को खोज रहे हैं, भूमिहार को खोज रहे हैं, हम मस्जिद मंदिर के नीचे हम भगवान और अल्लाह को खोज रहे हैं। भैया क्या कंट्री है, जो कंट्री, देखिए इस देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियन, वो सोसाइटी का और आम जनता का नर्व्स को समझ लिया है, 10 किलो चावल, जात पात, काट खोट, नफरत पैदा करो, हिंदू मियाँ करो, बैकवर्ड फॉरवर्ड करो, जात पात करो, और एजुकेशन, रोजगार, हेल्थ जैसे मुद्दों को गायब कर दो, और अभी तक तो सर यही, और इस पर कोई चर्चा ना करो जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।